हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तो हमने इसके सलवार के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। अब इसको फोल्ड किया है, जैसे ही इस तरह 1, 2, 3 और 4 इस तरह हमने ये डबल फोल्ड करके रखा है। तो सलवार की लंबाई है हमारी 40 इंच। तो सलवार की लंबाई हमारी 40 इंच है, तो उसमें हम 5 माइनस करते हैं तो 35 इंचेस। तो हम सलवार की लेंथ लेते हैं 35 इंचेस। 35 इंच हमने सलवार की लेंथ ली है और चौड़ाई में 2 मीटर का जितना भी घेरा आता है उतना हमने घेरा लिया है। सलवार की जो खुली साइड रहती है इस तरह से, ये खुली साइड रहती है, तो यहाँ से हम आसन का नाप लेते हैं। तो हमने ये 10 इंच लिया है, 40 लंबाई है हमारी सलवार की, तो उसके लिए हमने 10 इंच आसन लिया है। तो ये 10 इंच आसन लेने के बाद सलवार की मोहरी लेते हैं, जैसे नीचे के साइड से इस तरह से मोहरी है हमारी 6.5 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करते हैं, 7.5 इंच लेंगे। और ये यहाँ से जो आसन हमने लिया है यहाँ तक हम एक निशान लगा के कटिंग करते हैं, कपड़े की इस तरह से कटिंग करते हैं। जैसे लंबाई हमने ली है, पूरी लेंथ ली है 40 इंच, तो उसमें 5 इंच माइनस किए, घेरा 2 मीटर में जितना आता है उतना चौड़ाई में हमने घेरा रखा है। और 10 इंच हमने आसन लिया है, मोहरी हमारी 6.5 इंच, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है सिलाई के लिए। और ये जो आसन है यहाँ से मोहरी तक हमने ये जॉइंट करके कटिंग की है। अब सलवार की कटिंग के बाद हम सलवार का ऊपर के साइड से का जो बेल्ट रहता है वो निकालते हैं। तो बेल्ट की लंबाई 9 इंच, 9 इंच हमारी बेल्ट की लंबाई है, तो 9 इंच हमने लिया है। और चौड़ाई में तैयार बेल्ट है हमारा 24 इंच, तो हमने 25 इंच लिया है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा बेल्ट हुआ। इस तरह से हमारे सिंपल सलवार की कटिंग हो चुकी है।